हेलो दोस्तों, अब हम रवाना हो चुके हैं सूरजगढ़ के लिए। अब कुछ ही देर में हम मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर के वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर जाने की तैयारी करेंगे हमारे इधर खेतरी की तरफ। फिर उधर का नज़ारा बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे भी देखो पेड़ पौधे, यहाँ हरियाली है ना, मुझे बहुत पसंद है हरियाली है ना। बहुत से लोगों ने देखो बगीचा बना रखा है यहाँ पे, बताता हूँ मैं भी। और कितना दृश्य को देखने को मिलता है, गांव है लेकिन शहर की तरह दिखता है ये एक। और ये देखो सोना लेकर इधर खड़ी हुई है, उस तरफ बाजरा, तो देखो बाजरे की फसल यहाँ ठीक है। कई खेतों में बाजरे की फसल अच्छी देखने को मिलती है और कई खेतों में अगर हम देखते हैं वहाँ पे बड़ा ख़राब फसल हो रहा है, फसल खराब हो जाता है। और आप इधर देखो, इधर इस तरफ है जो बाजरे की फसल है, पूरा फ्री है, यहाँ पे फसल नहीं है, घास जाता है। ये कपास है, बड़ी अच्छी फसल है। और इधर थोड़ी दूर चलने के बाद में आए खेत में आ जाते हैं, छोटी छोटे लोग होते हैं वो यहाँ पे छोटी फैक्ट्री लगा रखी है। और ये सूर्य थोड़ी नजदीक भी पड़ती है, इसका रोड होते हैं धोबी जोड़ी। अब किसी सेकेंड में धोबी जोड़ी आ जाती है। इधर ये जो बाइक दिख रही है ये धोबी जोड़ी में चल रही है। और अब ये जो है धोबी जोड़ी है, देखो बंदे कैसे घास ले जाते हैं, ऐसे रोटी बांध के ले जाते हैं घास ये चारा है पशुओं का। और आगे इधर देखो ये जोड़ है जो खाली जो पड़ा हुआ है, इसको अपन धोबली जोड़ी बोलते हैं। ये घर हैं यहाँ पे जो बावरी जो बोलते हैं, वो एक कास्ट है, वो यहाँ पे निवास करती है। और आगे अब बस सूर्यगढ़ के हम थोड़ी देर में एंट्री मारने वाले हैं। ये देखो जो साधारण भाषा बोलते हैं, ये होते हैं पेड़ बोलते हैं, साधारण भाषा में पेड़ होते हैं। ये यहाँ पे चल रही है अपना पेट पेट कर रही है। और ये आपका दोस्तों कुछ ही छोड़ों के अंदर बातें करते करते सूरजगढ़ पहुँच गए हैं। अब सूरजगढ़ में एंट्री मार दी है और अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको मोटरसाइकिल सर्विस एजेंसी के वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। ओके गाइस, देखो आपको अभी दिखा रहे हैं पहाड़ के पास में खड़े हैं। हाँ, पहाड़ के पास में, पहाड़ के पास में मिट्टी भी है। ये भी आया है जित्तू और ये सुरेंदर। हम आए हैं अभी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, पर्वत देखने के लिए। कितने दृश्य मतलब आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जोरदार खास दृश्य मिलेगा। ये कितना देखा रही इधर देख। हाँ ये देखो, इस पे चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको पर्वत के ऊपर जा रहा हूँ मैं। ये गाड़ी गई है, अरे तो नीचे आ जा, नीचे आ जा, कूद जा ऊपर, छलांग लगा एक बार। ना लगाओगी सर जाओ, पड़ा को आगे टपते से पॉइंट आगे दे जाओ। उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, चढ़ना तो आसान है, पहाड़ पे उतरना मुश्किल हो जाता है। उतर रहा हूं मैं तो। हेलो गाइस, अब हमने पहाड़ का एंजॉय लिया इस पर्वत का, जो आपने देखा होगा इस पे मैं जाके आया था अभी। और अब हम जा रहे हैं सिंघाणा की तरफ जाके आ रहे हैं। तो वैसे इधर से आपको भी पसंद आया होगा और भी कुछ देखना मिलेगा, क्योंकि अपन जैसे जाते हैं ना, नए नए हैं हम इस रास्ते पे, इतना हमें भी नहीं पता है कैसा क्या सिस्टम है। और जैसे आप देख रहे हो वैसे हम जैसे नए 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 देख रहे हैं ये जो दृश्य जो दिख रहा है वो। और अब आपने देखा होगा ये बात से आ रही है जब होती है। और आगे भी जो मंदिर आ गया है, देवता का कौन सा आ गया, पटाखा भी फोड़ दिया हमारी टारजन जो है, बहुत पटाखे फोड़ती चलती है, ज़्यादा पटाखे में थोड़ा यार सचिन तेल बड़ा ख़त्म हो जाता है इसमें। और
ये गांव आ गया, गांव में क्या क्या सुनने चलो ये बात की। हम जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए सिंघाणा की तरफ, आगे तो मेरे को लगता है सचिन कच्चा रास्ता आ गया। ठीक है, अच्छा सीसी रोड है, सीसी रोड है भैया। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बकरियाँ चारा खा रही हैं और हरिया भरा सिंघाणा आपको दिखा रहा हूँ। ये सावन में हरियाली बहुत अच्छी होती है, तो ये पहाड़ आपको नज़दीक से सिंघाणे के दिखा रहा हूँ, कितने सुहाने दृश्य है, दृश्य देखने को मिल रहा है। इधर ये घोड़ा है, लोग चारा खा रहा है और आजकल यार नील मिर्च का टंकी के ऊपर भी लिख देते हैं पेंट करके। ऊपर जो पहाड़ है इसके माता का मंदिर इस साइड देखो, ये आपको खाली जगह मिल रही है। यहाँ पे सचिन पार्ट लेने की बात कर रहा था, पता नहीं अब इसके पिताजी अब ले रहे हैं, इसके पिताजी तो बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं लेंगे, अपने माता जी मंदिर लेंगे। ये कह रहे हैं माता के मंदिर के पास मिलूँगा, चलो देखेंगे गाइस इसकी तो इच्छा जरूर पूरी होगी। माता के मंदिर के पास इसको घूमने वाला प्लाट माता की जरूर सुनाएगी। ये पहाड़ आपको देख रहे हैं नज़दीक से, देखो कितना दृश्य सामने। और अब हम कुछ ही देर में सिंघाणा पहुँच गए, सिंघाणा के अंदर आ ही चुके हैं शहर, कुछ देर में शहर पहुँचे और ये सिंघाणा एंट्री मार गए हम। यह मंदिर है तो नज़दीक से दिख रहा है और कितना लगता है। और ये देखो आगे आपको ये दिखा देंगे, देखो ये तो सिर्फ की तरह फूल दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सत्यानाशन, जो कि कोड़ा फंसी होते हैं उसमें काम करती है दवाई के रूप में। और आगे आप हमें देख, ये देखो हरी भरी झाड़ियाँ की करेंगे लाइन में जाए यार उरा के, तो जयपुर ये सामने बंदे पेड़ लेके जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये देखो पहाड़, इनको देख के हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। सही बात है, 10 दिन में एक पेड़ लगाओ, एक बंदा एक पेड़ लगाओ। ये कोपर है, कोपर आ गए हैं, यहाँ पर पानी की भी कमी है, सब टूट चुके हैं यहाँ पे पानी निकालने का। यहाँ पर ये पौधशाला है, देखो सब पानी निकाल के टूट गए हैं यहाँ के लोग, सभी दुखी हैं। ये देखो कोपर, कोपर आ चुके हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर पुराने खंडर है, ये ओपीडी छोटी ओपीडी है यार यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर ये मार्केट है, मार्केट छोटा है यार यहाँ का, क्या ब्लू मार्केट। अच्छा सभी दुकानें बंद हैं और ये ब्रेकर भी नहीं देख रहा है। हाँ ये देखो यह बाग है जो खेतरी का जो कन्वर्सन में रिजर्व में आपका स्वागत है। ये बाग जितने आप रहते हैं उनके लिए जंगल बनाया गया नया और यहाँ पे रहते हैं वो पूजा के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे नज़दीक से पहाड़ देखने का दृश्य है, तो यहाँ से बेहतरीन आए हैं और पूरा इंजॉय लें। वैसे देखने लायक है, जंगल है अच्छा हरा भरा, तो दिल को लुभाने वाला दृश्य है। और आप भी आगे यहाँ से तैनात रहते टुकड़े पे, सारी निगरानी भी रहता है उनके, यहाँ पे कौन क्या हो रहा है सब कुछ वो अपने गौर में रखते हैं जानकारी।
और ये रास्ता जा रहा है अभी यहाँ से अपने पपरना की तरफ जा रहे हैं और एक छोटा मंदिर आ गया इधर। मंदिर है, छोटा मंदिर है। आप कुछ देर में मनसा देवी का मंदिर आने वाला है। बॉर्डर आ गया, जो फौजियों का बॉर्डर है ना, बॉर्डर बाउंड्री ऑफ बॉर्डर एरिया आ गया उनका। और इधर पे फौजियों की लाइट चस रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जाल लगा रखा है फौजियों ने। ये फौजियों का है गोला बारूद जहाँ पे रहते हैं वो है। देखो दोस्तों कितना सुनहरा दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिल जाएंगे आपको। एक एक कदम पे मंदिर मिल जाएंगे। इधर है वो भी मंदिर है। अब हम पहुँच चुके हैं पपुरना, जो शहर जिसकी बात कर रहे थे वो पपुरना शहर आ गया है। ये शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पपुरना। ये खेतरी का मंदिर है पास में। और अब हम देखो आपको घाटी दिखा रहे हैं। घाटी है पहाड़ी एरिया की, जो केतरी के जो है केतरी केतरी में एंट्री मार चुके हम। ये यहाँ से सड़क बीच से होती हुई जा रही है पहाड़ों के बीचों बीच, और बहुत ही सुहाना दृश्य है देखने के लायक। हरियाली है बहुत सारी। देखो घाटे हैं इधर, ये काम वाम कर रहे हैं कर्मचारी लगे हुए हैं। अब अपन जंगल जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है जैसे है कि जंगल है। जंगल के अंदर हम ऐसे घूमते हैं ना, वैसे लग रहा है हरिया भरा खेतरी। कितना सुहाना मौसम है, कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आगे आप थोड़ी टाइम में आपको मिलेगा मनसा माता का मंदिर आने वाला, थोड़ी देर में वो भी दर्शन दिखाएंगे। मनसा देवी है जो माँ शेरावाली जिसको बोलते हैं वो भी आएगी। और इधर एक दर्शन। और अब अपने ये पहाड़ियों के बीचों बीच होते हुए देख रहे हैं। देखो कितना पपुरना की तरफ, खेतरी से आके जाएंगे पपुरना। तो पपुरना अपन जाते हैं खेतरी से, तो बीच में जो भी स्थान आते हैं देखने लायक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, पूरा पथरीली जगह है और हरा भरा है। हाँ ये देखो यहाँ बाघ है, जो खेतरी का जो कन्वर्सन में रिजर्व में आपका स्वागत है। ये बाघ जितने यहाँ पे रहते हैं
रहते हैं, उनके लिए जंगल बनाया गया नया और इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे रहते हैं वो और यहाँ पे नज़दीक से पार्क देखने का दृश्य है, तो यहाँ से बेहतरीन आए और पूरा इंजॉय लें। वैसे देखने लायक है, जंगल है अच्छा रब रहा, तो दिल को लुभाने वाला दृश्य है। और आप भी आगे देखते हुए यहाँ से जी यहाँ से तैनात रहते टुटे पे, सारी निगरानी भी रहता है उनके, यहाँ पे कौन क्या हो रहा है सब कुछ वो अपने गौर में रखते हैं जानकारी। और ये रास्ता जा रहा है अभी यहाँ से अपने पकड़ना की तरफ जा रहे हैं, और एक छोटा मंदिर आ गया है इधर, छोटा मंदिर है। आप कुछ देर में मनसा देवी का मंदिर आने वाला है,